नमस्कार प्यारे बच्चों, एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जो आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे फाइनल हो, सभी एग्जाम में आपके ये काम आने वाले हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, साइंस। इज मैटर अराउंड अस प्योर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड साथ में चैप्टर 13 के भी क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन जो है, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंस आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आता ही आता है, तो आप इसका डिफरेंस कर लीजिएगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं, डिफाइन करके भी आ सकता है। द कंपोजिशन रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, ठीक है, मिक्सचर। इसमें मेन बेसिक डिफरेंस यही होगा कि जो कॉम्पोजिशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, और इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। सेकंड पॉइंट डिफरेंस का है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट नहीं किए जा सकते कोई भी विजिबल बाउंड्रीज के द्वारा, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड डिफरेंस नंबर 3, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक पानी का होता है, चीनी पानी का हो सकता है, इथेनॉल एंड वाटर का सॉल्यूशन जो मिक्सचर है, और यहाँ पे सैंड शुगर का मिक्सचर ले सकते हैं, तो ये हेटरोजीनियस है। क्लियर, चॉक एंड वाटर का है, हेटरोजीनियस है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि क्लासिफाई कीजिए इनको केमिकल और फिजिकल चेंजेस में। ठीक है बच्चे, तो केमिकल चेंज क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है ना बच्चे, नए सब्सटेंस में नई प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना है आपको। इसमें जो भी नया सब्सटेंस बनेगा वो उसमें न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, वो बिल्कुल न्यू गुण होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन फिजिकल चेंज में सब्सटेंस वही रहता है, नो चेंज। ठीक है, जो भी नया सब्सटेंस होगा वो वही चीज होगी, कोई नई चीज नहीं होगी। जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, पेड़ को आप कितनी बार भी काटे, पेड़ है इसको आप कितनी बार भी काटेंगे, रहेगा तो पेड़ का ही पार्ट ना, ट्री का। तो ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्लियर हो गया ना। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन में बटर को मेल्ट करोगे तो इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। रस्टिंग ऑफ एलमीरा अगर रस्ट हो जाता है तो देखिए उसमें जंग के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर स्टीम में बदल गया तो वाटर ही रह गया ना, तो ये कौन सा है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिला दोगे तो सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन अलग बन जाएगा, ना तो उसमें वाटर की प्रॉपर्टीज होंगी ना सॉल्ट की, तो वो वाटर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। मेकिंग फ्रूट सलाद, रॉ फ्रूट है उससे सलाद बनाओगे रहेंगे तो वो फ्रूट ही ना। अब ऑरेंज को या ग्रेप्स को तोड़ ताड़ के या बनाना को काट के डाल रहे हैं आप फ्रूट सलाद में, तो बनाना तो बनाना ही रहेगा। तो दिस इज फिजिकल बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर को जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे तो बर्न होके ऐश बन जाती है, और ऐश की प्रॉपर्टी ना तो पेपर जैसी होती है ना ही वुड जैसी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विद रीजन, ठीक है, रीजन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, डिफरेंस कर लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंस वाले। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, देखिए ध्यान दीजिए, नेचर में होमोजेनियस होता है। सॉल्यूशन यानी जो भी 2-3 इसमें सब्सटेंस होंगे उनका फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है। हेटरोजीनियस होता है ये, और ये हेटरोजीनियस होता है सस्पेंशन भी, ठीक है। पार्टिकल जो इसका साइज बहुत छोटा होता है, आप लिख सकते हैं साइज, अगर नहीं भी याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, साइज इज लेस देन, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, और इसका साइज 10^-4 से 10^-7 के बीच में, तो इसका 10^-7 से कम होता है, और आप ये देखिए इसके पार्टिकल बड़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफरेंस, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, ये लाइट को स्कैटर करता है, यानी इसके रास्ते में लाइट आती है तो स्कैटर करता है, और ये भी स्कैटर करता है। तो इसका डिफरेंस आता है सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन में, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एन एलिमेंट इज मेड अप सम काइंड ऑफ एटम्स, कुछ तरह के एटम से बना होता है, जबकि कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से बना होता है। देखिए ये सेम काइंड ऑफ एटम्स से हैं और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से हैं, ठीक है।
एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, इसको फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा स्प्लिट यानी तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सब्सटेंस को केमिकल मेथड के द्वारा कंपाउंड को। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हो गए, और डिफरेंस आप लोगों ने याद किए होंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सी प्रोसेस यूज हुई है, ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर में ड्राई आइस को रखा जाता है, तो क्या रीजन है। ठीक है, प्रोसेस का बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, इनके मैं आंसर इकट्ठे बताती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इज इन अ बीकर एंड वाटर इज प्योर्ड इन टू अ बीकर विद स्टीरिंग एंड एसीटोन बोटल इज लेफ्ट ओपन, द बोटल बिकम्स एम्प्टी, वो एम्प्टी हो जाता है, वजह क्या है। मिल्क को चर्न किया जाता है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट, इसमें से क्रीम निकालने के लिए। या सेटिंग ऑफ सैंड, वेन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर जो है जब अनडिस्टर्ब हो जाता है, रुक जाता है, पानी को जब हिलाना बंद कर देंगे तो सैंड नीचे बैठ जाता है, वजह क्या होती है। ए बीम ऑफ लाइट एंटर थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम इल्यूमिनेट द पार्टिकल, जो पार्टिकल इसके रास्ते में आता है उस वो इल्यूमिनेशन लगता है, उसका रीजन क्या है। तो चलिए रीजन देखते हैं। तो ये सभी मेथड्स हैं, देखिए पहले का आंसर होगा सब्लिमेशन है, दूसरे का है डिसोल्यूशन या डिफ्यूजन मेथड, एवेपोरेशन है। तो सभी मेथड्स के बारे में आप लोग जरूर एक एक लाइन जरूर कीजिएगा, ये मेथड कहलाते क्या हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जब मक्खन निकालना दूध दही से, सेडिमेंटेशन है जो सेटलमेंट हो जाता है रेत वगैरह का, स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो इसको जरूर करना आपको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द हेटरोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हेटरोजीनियस मिक्सचर पहचानना है, ध्यान देना है, हेट्रो और होमोजीनियस किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ हेटरोजीनियस मिक्सचर, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। एयर, सोडा वाटर है, सोप सोल्यूशन है और ब्रास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, और उसके बाद है राइट टू कॉम्पोनेंट ऑफ अ कोलाइडर सोल्यूशन, कोलाइडर सोल्यूशन का दो कॉम्पोनेंट बताना है, गिव एग्जाम्पल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, देखिए सोप जो है हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, कि सोप सोल्यूशन जो है हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, वाइल रेस्ट आर द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सिर्फ सोप सोल्यूशन ही है वो हेटरोजीनियस है, बाकी सारे जितने भी थे वो होमोजीनियस थे। तो अगर होमोजीनियस पूछे जाए या हेटरोजीनियस, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द टू कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स्ड, क्वेश्चन यही था ना, हाँ, तो दो कंपोनेंट जो होते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के, वो डिस्पर्स फेस होते हैं एंड डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। एग्जांपल है आपका कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ अ स्टार्स इन वाटर, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि इसने बोला राइट टू कंपोनेंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, तो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं बताएं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम, ये दो कंपोनेंट हैं इसके, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल है तो उसे भी आप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल, इनमें से कौन कौन से टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, या टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्या होता है ये। तो स्टार सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या टिंचर ऑफ आयोडीन, या एयर, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो पहला क्या कहता है, टिंडल इफेक्ट इज शोन, पहले पॉइंट में टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, स्टार सॉल्यूशन और एयर विच आर हेटरोजीनियस मिक्सचर एंड हैव द कैपेसिटी टू स्कैटर बीम, जिनके भी इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने की कैपेसिटी होती है ना, वो टिंडल इफेक्ट को शो कर जाते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड टिंचर ऑफ आयोडीन जो है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि हेटरोजेनियस नहीं है, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। तो दो दिखाए गए हैं टिंडल इफेक्ट के लिए, बाकी दो आपने देखा टिंडल इफेक्ट के लिए नहीं है। अच्छा, आपको अगर पर्टिकुलर और डिफरेंस ये सस्पेंशन कोलाइडर एंड सोल्यूशन के बीच में, तो फिलहाल तो सोल्यूशन तो है ही नहीं आई थिंक, तो सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो ये डिफरेंस आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आ चुका है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जो है चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इन, ठीक है, चैप्टर 13 से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग बीइंग, यहां बीइंग होना चाहिए था, बी ई है यहाँ पे, ठीक है, ये आर नहीं है, बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री, हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी, हेल्दी कब होते हैं, जब
सारे ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हो तो हेल्दी कहेंगे ना, मेंटली फिजिकली वो ठीक हो, पर्सन फ्री है किसी भी टेंशन से, एनजाइटी से, सोशली अच्छे से बात कर रहा है फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से, दैट मीन्स ही इज हेल्दी, ठीक है। लेकिन डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है कि उसको डिसकम्फर्ट यानी डिस ईज, कोई बीमारी से, सिर्फ बीमारी नहीं है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस पूछते हैं। डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड, देखिए कम्युनिकेबल क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और जबकि ये ट्रांसमिट ऐसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं और ये डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, हार्मोन की कमी की वजह से हो सकते हैं, या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो, कुछ भी इस वजह से हो सकते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिनको पैथोजेंस बोलते हैं, पैथोजेंस के डेफिनेशन पूछी जा सकती है क्या होते हैं, तो इनके द्वारा फैलते हैं ये। पॉइंट नंबर थ्री है कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मलेरिया, तो आप ये देख रहे हैं ये एड्स, तो इसमें आप मत लिखिए, इसके अंदर इसको नहीं लिखना है। आप इसके अंदर कोविड लिख लीजिए, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो कोविड आप इसमें लिखिएगा। डायबिटीज इसमें आ गया, मरासमस, गर्टर, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी, पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे। देखिए तीन तरीके से, अगर पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली सही है, वेल बीइंग है, तो वो हेल्दी है बस, यानी फिजिकली भी ठीक दिखता हो, मेंटली भी ठीक है, सोसाइटी में भी ठीक से एडजस्ट कर पाता हो। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब होता है कि वो स्टेट जिसमें बॉडी या ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वो डिजीज है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, कौन सी डिजीज का हमारे हेल्थ पे लॉन्ग टर्म होता है, क्रोनिक का कि एक्यूट का। तो देखिए क्रोनिक डिजीज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट करती है, लंबे समय में हमारी हेल्थ पे डिजीज़ देती है। एक्यूट का तुरंत ठीक हो जाता है, हमारी बॉडी कवर कर जाती है, लेकिन एड्स जैसी बीमारी है, कैंसर है, टीवी है, हमारी हेल्थ को धीरे धीरे ख़त्म करती जाती है। तो क्रोनिक डिजीज़ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एड्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया, निमोनिया के ट्रांसमिशन के या किसी और बीमारी के ट्रांसमिशन के मोड पूछ सकते हैं। तो इसमें है एयर, एयर के द्वारा निमोनिया फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के या प्रिवेंशन के प्रिंसिपल क्या है, वो सब आप दोनों कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंशन का भी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के इफेक्ट को कम करना पहला प्रिंसिपल है। दूसरा जो भी कॉज होंगे डिजीज के उनको मार देना, चाहे वो कोई भी कॉज हो उनको खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके एग्जांपल देने हैं या आंसर दे दिया और पूछा गया कौन सी बीमारी है। तो पहला है एक्यूट डिजीज के एग्जांपल हो गए वायरल फीवर और फ्लू। एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, जो जल्दी से ही मतलब ठीक हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो वायरल फीवर और फ्लू जो है जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो टीबी लिख सकते हो, एड्स भी लिख सकते हो, एलिफेंटाइसिस भी लिख सकते हो, तो इसको भी आप लिख सकते हो। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो वन पर्सन से दूसरे को फैलते हैं, तो ये मीडियम होता है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं, डायबिटीज, गॉटर, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है क्रोनिक और एक्यूट डिजीज में डिफरेंस। देखिए एक्यूट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और ये रैंडमली इनका कारण होता है, इसका कारण बहुत धीरे धीरे स्लोली कोर्स ऑफ टाइम में होता है। इट डज नॉट कॉज, इसका हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसका हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कफ लिख सकते हो, ठीक है, खांसी हो गया, फ्लू हो गया, ये सब जो है इसका, फ्लू भी लिख सकते हैं इसकी जगह, तो इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म पे नहीं होता। और एग्जांपल इसमें हार्ट डिजीज हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, एलिफेंटाइसिस है, जो कि क्रॉनिक है, इनका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमने कर ही लिए हैं, देखिए रिड्यूस द इफेक्ट हमने कर लिया है, और बेड रेस्ट कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। सिम्टम ट्रीटमेंट जानिए, किल करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो कुछ आंसर यहाँ पे आए थे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव टू एग्जाम्पल,
कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो पर्सन से पर्सन में फैलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, जबकि इसका आप नोट में लिख दीजिए कि ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस नहीं है, यानी ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं। अच्छा, इनके एजेंट क्या हैं, एयर वाटर फूड के द्वारा फैलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे फैलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एयर वाटर फूड, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा, और ये इन एजेंट के द्वारा नहीं फैलते हैं। अच्छा, ये इनके पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं फैलते हैं। तो आप ये ले सकते हैं एग्जाम्पल इनके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये आई थिंक आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।